और अब कोटा से बड़ी खबर आपको बताएंगे। लाल बत्ती के टशन में सारे नियम कानून तोड़ने का मामला सामने आया है। राजकीय कला महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष से जुड़ा हुआ यह मामला है। छात्र संघ अध्यक्ष मनीष सामरिया ने तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाई। छात्र संघ चुनाव में जीत मिलते ही सारे नियम कायदे कानून भुला गए। गाड़ियों के काफिले के साथ लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी पर सवार होकर कॉलेज पहुंचे और छात्र संघ चुनाव में जीतने के बाद पहली बार कॉलेज आने के बाद ये पूरा ड्रामा किया गया। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से लाल बत्ती लगाकर पहुंचे हुए हैं छात्र संघ के अध्यक्ष। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव में जीत मिलते ही सारे नियम कानून यहाँ पर ताक पर रख दिए गए। देखिए आपकी तस्वीरें भी देख रहे हैं, हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल भी किया, जी मीडिया ने सवाल भी किया, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो 8000 छात्र हैं जिन्हें चुनकर मुझे यहां पहुंचाया है, अध्यक्ष बनाया है, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर लाल बत्ती लगाकर पहुंचा हुआ हूं काफिले के साथ। तो आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, यहां पर तमाम नियम कानून ताक पर रख दिए गए। मैंने नियम कानून नहीं तोड़े, मेरे 8000 छात्रों का प्रतिनिधि हूँ, मेरे को 8000 छात्रों ने चुना है राजकीय कला महाविद्यालय में, जो आड़ोती का सबसे बड़ा महाविद्यालय। मेरे छात्रों की इच्छा थी, जिन्होंने मुझे छात्रों ने समर्थन दिया है, मुझे जिताया है कि भैया आप अगर आप कॉलेज में आओगे तो लाल बत्ती लगाकर आओगे। मैंने मेरे छात्रों की बात मानी और मेरे छात्रों की सुनी और मेरे सभी छात्र अंदर इंतजार कर रहे हैं और उनकी इच्छा थी जिनके लिए मैं बनाऊँ और जिन्होंने मुझे बनाया है।